वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल राजपूत आटा चक्की ब्लॉग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मैक्रोनी। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं इसमें पानी डालने जा रहा हूँ उबालने के लिए। जब तक पानी उबल रहा है तब तक हम अपना सामान तैयार कर लेते हैं। ये देखो मेरी मम्मी जी कंदा काट रही हैं और ये साइड में अतुल है। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैक्रोनी डाल रहे हैं। इसको चला दे वरना ये करीम लग जाएगी। देखिए प्याज काटते काटते मेरी मम्मी जी रोने लगी हैं। मैक्रोनी उबल चुकी है, अब मैं गैस बंद करने जा रहा हूँ। गैस बंद कर दी है, अब मैं कढ़ाई को नीचे उतार लूं। आप मेरे वीडियो में बने रहें, लास्ट तक अंत तक जरूर देखें मैं मैक्रोनी कैसे बनाता हूँ। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं इसमें तेल डाल रहा हूँ। तेल गरम होने लगा है, अब मैं इसमें सोयाबीन सेंक लेता हूँ। तेल गरम हो जाए इसके बाद हम सोयाबीन सेंकेंगे। तेल गरम हो गया, मैं सोयाबीन सेंक रहा हूँ। लाल लाल हो जाए तब तक हम इसको तलेंगे। फिर पक चुकी है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें जीरे डाल दिया है टेबल, अब मिर्ची डाल रहे हैं, इसके बाद प्याज डाल रहे हैं। अब इसको चलाएंगे तब तक पक ना जाए। अब मैंने बंदा भी डाल लिया है इसमें, तो इसको चलाएंगे। इसमें थोड़ी हल्दी भी डाल दी है। इसमें हमने टमाटर भी डाल दिए हैं। इसको चलाते रहें वरना ये तरी में लग जाएगा। हमारा बंदा पकने ही वाला है। इसमें अपने स्वाद अनुसार मिर्च भी डाल सकते हैं, इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है इसमें। मसाला पक चुका है, इसमें मैक्रोनी डाल रहे हैं। मैक्रोनी डल चुकी है, ऊपर से सोयाबीन भी डाल दी है। अब इसको पकाते हैं। मैगी मसाला भी डाल दिया है ऊपर से। हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो जाएगी। हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो चुकी है, हमने गैस बंद कर दी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आपको अगर मेरा मैक्रोनी बनाना पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद वीडियो में, तब ये टाटा बाय बाय। हमारी मैक्रोनी बहुत टेस्टी बनी है, देखिए हम सब साथ मिलकर खा रहे हैं।
भी चाहिए।